हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी। और हाँ, आज इन्होंने मुझे नहीं बल्कि आज मैंने इनको स्टूडियो में बुलाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज मैं आप सभी के सामने और अपने सर के सामने अपने कॉन्फिडेंस का एक परिचय देना चाहती हूँ। तो आज मेरे सामने काफी सारे लोग हैं, लाइट्स हैं, कैमरा भी है और साथ में सर भी हैं। तो मैं चाहती हूँ सर, आप इन सभी के सामने मुझसे कोई एक्ट करवाएं। ये लड़की जब मेरे पास पब्लिक स्पीकिंग और इन सब चीज़ की जब ट्रेनिंग लेने आई थी तो बहुत झेपू थी, बहुत शाई थी, बहुत हेजिटेट करती थी और भीड़ से तो भागती थी। तो आज मुझे चैलेंज कर रही है। चले ठीक है, आपके चैलेंज को स्वीकार करते हैं। डांस करके दिखाइए। ओके, गाना गा के दिखाइए। रो के दिखाइए। हंस के दिखाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई एक्ट की, डांस स्किल्स की। अब मैं चाहती हूँ सर से इंग्लिश में कुछ बहस करना। हालांकि मेरी इंग्लिश कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, पर मैं निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो सर, दिस इज माय वॉच। दिस इज माय वॉच। हाउ कुड यू से दैट सर, दिस इज माय वॉच। नो नीड टू से, इट्स अ जेंट्स वॉच एंड यू आर वेयरिंग। इट्स अ लेडीज वॉच सर। You are telling lie. I have been. I am telling a lie. Your son is telling a lie. You are a liar. I am not a liar. You are a liar. I bought yesterday and I have will. Oh my God. तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारी डिबेट की, और ये डिबेट तो हमारा क्लास का एक सेशन है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये सब आपको क्यों दिखा रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरा पास्ट ही कुछ ऐसा था। मैं काफी ज्यादा शर्मीली सी लड़की थी। हेजिटेशन तो मानो मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, और कॉन्फिडेंस तो मानो जैसे था ही नहीं। और दो लोगों के सामने तो मैं बोलने से घबरा जाती थी, मैं डर जाती थी। और अगर भीड़ के सामने खड़ा कर दिया जाता तो मेरे हाथ पर जैसे मानो फूलने से लगते थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे इंडिया में लाखों करोड़ों लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की काफी कमी है, जो कि मेरे अंदर भी थी। पर जब मैंने सर की क्लासेस अटेंड करी और जो बदलाव आया मेरे अंदर, वो तो आप सभी देख ही रहे होंगे। और ऐसा बदलाव आया कि आज लोग मुझे साक्षी मेकअप आर्टिस्ट के नाम से जानते हैं। मैं स्टेज पर बोलती हूँ और फैशन शोज भी अटेंड करती हूँ। और वो बदलाव आया कैसे? तो फ्रेंड्स, मैं आपको वो तीन बातें बताने जा रही हूँ जो सर ने मुझे सिखाई, और मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वो बातें क्या थी? पहली, ज़्यादा सोचो मत, डायरेक्ट कर डालो। ज़्यादा सोचने से क्या होता है कि हमारे फैसले जो हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। दूसरी बात, जो लोग आज आपका जितना मजाक उड़ा रहे हैं ना, आप उतनी ताकत लगा दो उस काम को करने में और अपने आप को निखारने में। फिर देखिएगा दोस्तों, जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे थे ना, वही लोग कल को आपके पीछे होंगे। तीसरी और आखिरी जबरदस्त बात वो ये कि अगर आपसे कोई काम नहीं हो पा रहा है या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सोच करके हार बिल्कुल मत बैठ जाना कि आपसे वो काम होगा ही नहीं, बल्कि ये सोच करके एक कोशिश और कर लेना कि क्या पता मेरी अगली कोशिश मुझे मेरी कामयाबी की ओर ले जाए। तो दोस्तों, बस इन तीन बातों को आप अपने लाइफ में उतार लीजिए, फिर देखिएगा फ्रेंड्स, अगले सिकंदर आप ही होंगे। तो फिर देख लेना फ्रेंड्स, अगले सिकंदर आप ही होंगे। मुझे साक्षी का वो पहला दिन याद आता है जब वो क्लास में बैठी हुई थी, गुमसुम सी, मायूस सी, काफी भीड़ थी, और जब बुलाने की बारी आई तो इन्होंने नजरें फेर ली। होता है ना, जब हम किसी को बुलाते हैं भीड़ के सामने कि हमें बुला ना लें। और बहरहाल जब ये आई वहां पर, कांपते उनके हाथ कांप रहे थे, पैर भी कांप रहे थे, और अपना नाम भी ठीक से नहीं बता पाई थी, लेकिन आज कैमरे के सामने, स्टूडियो के लोगों के सामने और आपके सामने अपने दिल की बात को बहुत अच्छे से रख पाई। तो यदि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आप बहुत हेजिटेट करते हैं, आपको स्टेज का बादशाह बनना है, आपकी आवाज को अच्छा करना है और अपने आप को भीड़ के सामने प्रूव करना है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक और ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जिनकी जिंदगी बहुत निराशा से भरी हुई थी। वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस था ही नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।